नमस्कार जनप्रवास सुपरफास्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं हेमेंद्र सिंह। एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। सरकार बनाने जा रहे उद्धव ठाकरे ने बीजेपी पर साधा निशाना, कहा भाजपा की झूठ से हमने छोड़ा 25 साल पुराना साथ। ठाकरे बोले गठबंधन सरकार की नौबत बीजेपी की वजह से आई, बाला साहेब को शिवसैनिक मुख्यमंत्री बनाने का दिया था वचन। सीएम की रेस से बाहर हो सकते हैं शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे, का खुद के लिए नहीं मांगा महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री का पद। संजय राउत बोले महाराष्ट्र में 5 साल तक होगा शिवसेना का सीएम, बीजेपी अगर इंद्र का सिंहासन भी दे दे तो उसके साथ नहीं जाएगी पार्टी। महाराष्ट्र में नई सरकार के गठन पर बोले केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी, का वैचारिक तौर पर तीनों पार्टियां अलग, ज्यादा दिन नहीं चलेगी सरकार। कांग्रेस नेता संजय निरुपम ने की पार्टी के फैसले की आलोचना, का कब तक चलेगी तीन तिकाड़ा काम बिगाड़ा सरकार। मुंबई म्यूनिसिपल कारपोरेशन पर शिवसेना ने जमाया कब्जा, किशोरी पेडनेकर चुनी गई बीएमसी की नई मेयर। पीएम मोदी की बुलेट ट्रेन परियोजना पर लग सकता है ब्रेक, गठबंधन की सरकार बनी तो महाराष्ट्र नहीं उठाएगा खर्चा। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने किया बड़ा ऐलान, कहा अब सिर्फ 2310 रुपए में मिलेगा नया सीवर कनेक्शन। सीएम केजरीवाल ने मानी दिल्ली में दूषित पानी की बात, कहा 125 इलाके ऐसे हैं जहां नहीं आता साफ पानी। दिल्ली में पानी की शुद्धता का विवाद सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, एनजीटी के आदेश को आरओ निर्माताओं ने दी चुनौती। दिल्ली में आरओ पर जारी रहेगा एनजीटी का प्रतिबंध, सुप्रीम कोर्ट ने दखल देने से किया इनकार। दिल्ली में पानी की शुद्धता पर सुप्रीम कोर्ट ने दिया आदेश, का आरओ निर्माता 10 दिन में सरकार के सामने रखें अपनी बात। मोदी सरकार की नीतियों पर सीएम वी नारायण स्वामी ने कसा तंज, का पुडुचेरी को ट्रांसजेंडर घोषित कर दे केंद्र सरकार। सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने साफ की अपनी मंशा, का 2022 में हम अकेले लड़ेंगे विधानसभा का चुनाव। अखिलेश बोले भाजपा की अब कोई चाल नहीं होगी कामयाब, पूंजी घरानों के हितों का पोषण करती है बीजेपी की नीतियां। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यूपी सरकार को जारी किया दिशा निर्देश, का डेंगू से मौत हुई तो पीड़ित परिवार को दें 25 लाख का मुआवजा। हरियाणा में गठबंधन सरकार के मंत्रियों को दी गई शक्तियां, द्वितीय तृतीय और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के कर सकेंगे तबादले। जम्मू कश्मीर में भारतीय सेना ने आतंकियों की साजिश की नाकाम, अनंतनाग से 25 किलो आईडी विस्फोटक किया बरामद। पूर्व सीएम लालू यादव की जमानत याचिका पर सुनवाई टली, दुमका कोषागार मामले में 29 नवंबर को होगी सुनवाई। खराब पानी विवाद को लेकर राघव चड्ढा ने सरकार पर लगाया आरोप, बोले आरओ कंपनियों को फायदा पहुंचाने के लिए रिपोर्ट में हुई छेड़छाड़। होमगार्ड वेतन घोटाले में 5 दिन की पुलिस रिमांड पर भेजा गया आरोपी, नोएडा पुलिस ने आरोपियों की मांगी थी 10 दिन की रिमांड। कश्मीर के ऊंचाई वाले स्थानों पर हुई करीब 5 इंच तक बर्फबारी, घाटी के मैदानी इलाकों में हुई बारिश। राजस्थान निकाय चुनाव के परिणामों को लेकर सचिन पायलट का दावा, बोले देश में बदल रहा है माहौल, कांग्रेस के कामों को पसंद कर रहे हैं लोग। सचिन पायलट ने अमित शाह के मंदिर वाले बयान पर किया पलटवार, बोले अयोध्या पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर नहीं होनी चाहिए राजनीति। पाटीदार नेता हार्दिक पटेल ने जेएनयू छात्रों के प्रदर्शन का किया समर्थन, बोले छात्र अपने लिए नहीं आगामी पीढ़ी के लिए लड़ रहे हैं लड़ाई। बीएचयू संस्कृत विभाग विवाद पर एएमयू ने जताई गहरी चिंता, छात्र बोले नियुक्ति को रोका गया तो दुनिया में जाएगा खतरनाक संदेश। मणिपुर से जुड़े भ्रष्टाचार के मामले में कई शहरों में सीबीआई के छापे, विकास कार्यों में 332 करोड़ रुपए की अनियमितता की हुई थी शिकायत। संसद में पराली पर अंग्रेजी में चर्चा होने पर किसान संगठनों ने दी प्रतिक्रिया, का आरोप लगाया दी शाबाशी, किसान हैरत में। ई सिगरेट पर प्रतिबंध लगाने वाला विधेयक लोकसभा में हुआ पेश, उत्पादन निर्यात वितरण और भंडारण पर लगेगी पूरी तरह पाबंदी। गांजा की खास प्रजाति की खेती को बढ़ावा देने की तैयारी में मध्य प्रदेश सरकार, कैंसर और औषधीय उपयोग के लिए कमलनाथ सरकार बना रही योजना। मध्य प्रदेश भाजपा ने कमलनाथ सरकार के फैसले पर जताया आपत्ति, का प्रदेश को नशे के आदि लोगों का आप बनाना चाहती है सरकार। राज्यसभा में कांग्रेस ने की चुनावी बांड पर चर्चा कराने की मांग, नई मिली अनुमति, कांग्रेस के आनंद शर्मा ने बताया गंभीर विषय। लोकसभा में अगले सप्ताह पेश किया जाएगा एसपीजी संशोधन विधेयक, संसदीय कार्य राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने दी जानकारी। हरसिमरत कौर बादल ने मेगा फूड पार्क परियोजनाओं पर दिया बयान, बोले बिहार और बंगाल में योजना को लागू करने में आ रही है कठिनाई। आजम खान की पत्नी और बेटे के खिलाफ एक और एफआईआर दर्ज, सरकारी जमीन के हेर फेर का लगाया गया आरोप। दिल्ली एनसीआर में बढ़ते प्रदूषण को लेकर प्रकाश जावड़ेकर ने किया दावा, बोले बीजिंग से कम समय में निपटाएंगे दिल्ली में प्रदूषण की समस्या। रोजाना 1 टन प्लास्टिक से 800 लीटर डीजल बना रहा है देहरादून, हर्षवर्धन बोले अब दिल्ली में भी योजना की करेंगे शुरुआत। आरबीआई ने डीएचएफएल के लिए बनाई 3 सदस्यीय सलाहकार समिति, संकट में फंसी आवास ऋण कंपनी को बाहर निकालने में करेंगे मदद। देश में सिर्फ 9% बच्चों को मिल रहा है पूरी तरह सही पोषण, नीति आयोग की रिपोर्ट में सामने आई जानकारी। बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने नीति आयोग की रिपोर्ट पर दिया बयान, बोली ये झूठ है कि कुपोषण की समस्या सिर्फ गरीबों और आदिवासी परिवारों में है। साझा सरकार बनने की संभावनाओं के बीच एनसीपी ने कसा तंज, नवाब मलिक बोले पवार ने राजनीति के चाणक्य को दी मात।
चीन के राष्ट्रपति जिनपिंग ने व्यापार प्रतिनिधि पर दिया बयान, बोले हम चाहते हैं कि व्यापार करार लेकिन संघर्ष के लिए भी तैयार। मंत्रिमंडल ने 1.2 लाख टन प्याज आयात की दी मंजूरी, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने दी जानकारी। मर्दू फ्लैट मालिकों की याचिका पर खुली अदालत में होगी सुनवाई, सुप्रीम कोर्ट 25-25 लाख रुपए मुआवजा देने का दे चुका है आदेश। कोलकाता ऐतिहासिक डे नाइट टेस्ट में बांग्लादेश ने जीता टॉस, ईडन गार्डन पर पहले बल्लेबाजी करने का लिया फैसला। ऐतिहासिक टेस्ट की गवाह बनी शेख हसीना और ममता बनर्जी, घंटा बजाकर भारत बांग्लादेश मैच का किया शुभारंभ। कोलकाता टेस्ट में बांग्लादेश पर भारतीय गेंदबाज ने ढाया कहर, लंच तक 73 रन पर 6 खिलाड़ियों को भेजा पवेलियन। तेज गेंदबाज उमेश यादव ने सबसे ज्यादा 3 विकेट झटके, ईशांत शर्मा को 2 और शमी को मिली 1 सफलता। धोनी और किरमानी के क्लब में शामिल हुए रिद्धिमान साहा टेस्ट क्रिकेट में 100 कैच पकड़ने वाले विकेटकीपर बने। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, देखते रहिए जनप्रभात। नमस्कार।